नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशली खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, बीईओ मेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, इसमें हम हमारे जीएस की क्या रणनीति होगी और हिंदी की और निबंध की क्या रणनीति होगी और किस प्रकार से जो 400 नंबर की मुख्य परीक्षा है उसमें आप 300 प्लस पा सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ये पूरी रणनीति आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। मेरे साथ बने रहिए अंत तक और पूरी बातों को समझिए ध्यान से कि कैसे आपको परीक्षा पास करनी है और इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सामान्य अध्ययन है वो लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, प्रारूप आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किस कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे, कितने शब्दों में लिखा जाएगा वो पहले बता चुके हैं। ये 200 नंबर का आपका जीएस होगा और 100 नंबर की आपकी हिंदी आलेखन, यानी कि हिंदी जो ड्राफ्टिंग है वो आपकी 100 नंबर की होगी और हिंदी निबंध होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें आपको दो निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध 700 शब्दों में लिखना होगा और एक निबंध 50 नंबर का होगा। ठीक है, और जीएस के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और हिंदी आलेखन और निबंध के लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन वाला पेपर सुबह हो जाएगा और ये आपका हिंदी आलेखन और निबंध का शाम को हो जाएगा, यानी कि एक दिन में। चूंकि आप लोग मैसेज करते रहते पूछते सर परीक्षा एक दिन में होगी या दो दिन में होगी कैसे होगी, तो एक ही दिन में हो जाएगी, सुबह मीटिंग में और शाम मीटिंग में। ठीक है, चलिए। और इसके लिए हमने क्या किया है कि आपका बैच प्रारंभ कर दिया है मुख्य परीक्षा के लिए, तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं आपका अगर प्री निकल गया है तो आप मुख्य परीक्षा का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपल सी प्रक्रिया है, आपको ज्वाइन बीईओ लिखना है और 8423291094 84 23 29 10 94 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जहां को आपको ज्वाइन करने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, पूरा पीडीएफ बेस्ड है। यहां पर आपको सामान्य अध्ययन की, हिंदी निबंध की और हिंदी आलेखन की सारी पीडीएफ देंगे। सब कुछ मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, प्लस आपको वीडियो भी मिलेंगे यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, जहां पर आप पीडीएफ को पढ़ करके उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा मटेरियल है वो इतना ऑथेंटिक है कि वास्तव में जो परीक्षा में आपको लिखना है वही मिलेगा आपको। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं कोचिंग भी की होगी या कहीं पढ़ा भी होगा, आप हमारे मटेरियल को और वहां से कंपेयर करिएगा तो आपको खुद लगेगा कि मेरा चयन कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने वही मटेरियल लिखा है, वही चीजें लिखी हैं जो मैंने पढ़ी हैं और वही आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो पत्र हो या हिंदी निबंध हो या हिंदी आलेखन हो, चाहे गद्यांश हो, सारांश हो, संक्षेपण हो, जो भी हो सब कुछ आपको हम बताएंगे। ठीक है, और हिंदी में जो आपका संक्षेपण लिखने को पूछा जाएगा तो वो भी आपको बताएंगे कैसे संक्षेपण लिखा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, सारांश या फिर जो भी चीजें कैसे लिखी जाती हैं, ये सारी चीजें आपको बोर्ड पर यहाँ पर बताएंगे, हल करके बताएंगे। ठीक है, और 5-6 आपको गद्यांश हम हल किए हुए देंगे भी कि ये गद्यांश है और इसका ये व्याख्या है और ये इसका सारांश है, संक्षेपण है, ये इसका शीर्षक है, तो आप खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 5 गद्यांश आपको हम अनसॉल्व देंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और सॉल्व करके आप उसे पिक लेके फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसको चेक करूंगा और जो आपकी कमियां होंगी वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सेम प्रक्रिया चलेगी, चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे निबंध हो, सब में होगा। निबंध में क्या करेंगे, निबंध आपको 15 निबंध हम लिखे हुए देंगे। ठीक है, टोटल 15 निबंध आपको लिखे हुए मिलेंगे, जो भी अभी चर्चित टॉपिक हैं या जो भी ट्रेडिशनल है, चाहे वो साहित्य हो, समाज हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, पर्यावरण हो, या फिर जो जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, या योजनाएं हो गई, जहां जहां से निबंध पूछे जाते हैं, तो टोटल 15 निबंध आपको कंप्लीट लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब चूंकि निबंध आपको लिखना है 700 शब्दों में, ठीक है, और मान लो अगर मैं 700 शब्दों में आपको निबंध लिख के दे दूं और आप उसको पढ़ के जाएं तो क्या होगा, उसमें से आप 100-200 शब्द भूल जाएंगे और जब आप लिखेंगे तो आप मुश्किल से 400-500 शब्द लिख पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आप बना बना करके लिखेंगे, जहां पर बात बिगड़ने लगती है, क्योंकि जहां पर आप बनाने की कोशिश की वहीं बात बिगड़ जाती है और एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़के ने क्या किया है, अपने मन से बनाया है, याद नहीं आ रहा था, बना के लिखा है। ठीक है, लेकिन जब चीजें दिमाग में होती हैं, हमारे पास कंटेंट होता है, हमारी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारा शब्द भंडार कम नहीं पड़ रहा है, ज्यादा ही है, हम कितना भी लिख दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 700 शब्दों के बजाय कम से कम 1000 या 1200 शब्दों का लिखा हुआ निबंध आपको देंगे।
वो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और जो सीरीज में आपको निबंध देंगे उसमें डेली आपको एक निबंध मिलेगा, ठीक है। और उस निबंध को आपको कम से कम 5 बार लिखना है। एक निबंध मान लो सपोज मैंने आपको सुबह दे दिया, उसको आपको 5 बार लिखना है। तो जब आप 5वीं बार वो निबंध लिखेंगे तो आप बिल्कुल वैसा ही लिख पाएंगे जैसा मैंने आपको लिख के दिया है और जो परीक्षा में लिखना है। फिर वो लिखा हुआ निबंध आप मुझे भेजेंगे, मैं उसको चेक करूंगा, पूरी एक एक लाइन पढ़कर चेक करूंगा कि आपने कहां गलती की है, कहां पर सुधार की गुंजाइश है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपका निबंध कितने नंबर लायक है, पूरी मार्किंग होगी, पूरा उसका एवल्यूशन होगा और आपकी कमियों को उजागर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि यहां पर आप और इंप्रूव कर सकते हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 15 निबंध की आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे और ये 15 निबंध आपको 5-5 बार लिखवाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपसे हम 75 बार निबंध लिखवाएंगे, 75 बार आपसे निबंध लिखवाएंगे जो मैं दूंगा। इसके बाद 15 निबंध आपको ऐसे देंगे जो बिना लिखे, सिर्फ आपको टॉपिक देंगे, उन पे आपको लिखवाएंगे, ठीक है। उन पर आप 3-3, 4-4, 5 बार प्रत्येक टॉपिक पर लिखेंगे, ठीक है। और जब वो 15 निबंध आप लिखेंगे, फिर जो फाइनली आपको लगेगा कि हमने अच्छा लिखा है तो वो मुझे आप भेजेंगे, उसको मैं चेक करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 निबंध की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 30 निबंध। अब सोचिए जब 30 निबंध की प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हमारे पास कंटेंट की कमी रहेगी, क्या शब्द भंडार की कमी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमने कुछ टॉपिक भी बनाए जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इस पर आपको निबंध मिलेगा। एक जो कोरोना महामारी फैली है इस पर एक कंप्लीट आपको निबंध मिलेगा, ठीक है। कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं रहती हैं, ठीक है, या अभी 2019 में पूछा गया था कि हमारा किसान स्वाभिमान, इस तरह का निबंध आया, उस पर आपको मिलेगा। कृषि विधेयक सरकार ने लॉन्च कर दिया, ठीक है, उसके क्या पक्ष में है क्या विपक्ष में है, ठीक है, दोनों बातों उसमें विश्लेषण किया जाएगा, है ना। ऐसे इकोनॉमी जो हमारा जो है, इकोनॉमी का सेक्टर जो बहुत वीक हो रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर निबंध आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो गया, साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रकार के करीब आपको हम 30 निबंध बना करके देंगे, 15 लिखे हुए और 15 बिना लिखे हुए। 30 निबंधों की हम लोग कम से कम 5-5 बार लिखेंगे तो 30×5=150। सोचिए कि 150 निबंध हम लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो सोचिए जो व्यक्ति, जो बंदा 150 निबंध लिखा होगा, क्या उसके निबंध में पकड़ कमी होगी? बिल्कुल नहीं, उसकी निबंध पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, उसके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा और वो 700 नहीं 800-900 शब्द लिख दे तब भी कम नहीं पड़ेगा। हालांकि लिखना नहीं है, लिखना 700 ही है, थोड़ा 10-20 शब्द आगे पीछे चल जाते हैं, लेकिन उसके पास कभी भी शब्दों की कमी नहीं आएगी, चाहे जो टॉपिक हो, ठीक है। और निबंध में 100 नंबर में मुझे लगता है कि कम से कम आपको 75-80 नंबर पाना चाहिए। इतना हमारा उद्देश्य है, मतलब कम से कम 75-80 नंबर हम निबंध में लेकर के आए, ठीक है। और आते ऐसा नहीं है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, लेकिन तभी आएंगे जब आप मेरी रणनीति पर चलेंगे, तभी वो आप नंबर आ पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग हिंदी आलेखन में सारे पत्र पढ़ाएंगे। हिंदी का ये जो बैच आपका है, मेंस का, वो प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, जो आपको ज्वाइन करना है वो प्रारंभ हो चुका है 18 तारीख से, जहां पर सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र दो की PDF भेजी जा चुकी है। आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, अच्छे से आप लोगों ने कमेंट किए हैं, धन्यवाद इसके लिए। और उसमें हमने क्या किया है कि पत्र की परिभाषा, पत्र की विशेषताएं, उसकी संरचना, उसका प्रारूप और प्रत्येक पत्र के 2 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इतना ही सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। या तो पत्र को परिभाषित करने पूछा जाता है, या प्रारूप पूछा जाता है, या उसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, या फिर उदाहरण सहित समझाइए, इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको दे रहे हैं, बिल्कुल PDF में दे रहे हैं, कुछ भी वहां पर आपको ऐड नहीं करना, एक शब्द नहीं ऐड करना है, बस उतना पढ़ लो, रट लो और एग्जाम में आओ और उसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दो और फिर देखिए कैसे नहीं नंबर आपके आते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य यह है कि कम से कम आपको हम 300+ नंबर दिलाएं, 300+, कितने में? 400 में, ठीक है। 400 हमारे कम से कम 300+ नंबर होने चाहिए, 310-315 इस प्रकार, तब देखिए कैसे आप खंड शिक्षा अधिकारी नहीं बनते। लेकिन ये कैसे होगा, जब तक आप इस रणनीति को फॉलो नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है, ठीक है। जीएसटी में वही बता देते हैं, सामान्य अध्ययन क्या करना है, यहाँ पर आपको हम 2 या 3 पेपर हल किए हुए देंगे, ठीक है। अब देखिए जो सामान्य अध्ययन की हमारी टीम है, बहुत ही सीनियर और समझो कि ओल्ड टीम है, ठीक है, और कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, बहुत ही सीनियर व्यक्ति है वो लोग, लगभग सभी लोग जॉब में है, पीसीएस अधिकारी है, कोई IAS अधिकारी है,
तो वो लोगों ने मतलब हमारी सीरीज को बनाया है, मतलब विशेष मैंने निवेदन किया उनसे, क्योंकि जीएस हो गया आपका लिखित, और लिखित जीएस मतलब बहुत टेढ़ी खीर है, और इसको पढ़ा पाना और इसको समझा पाना, क्वेश्चन बनाना, उसको लिखना। अब सोचिए कि आपको आंसर 125 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, अब सारी बात लिख भी जाए कुछ छूटे भी ना और शब्द भी ना बढ़े, तो सोचिए कि एक एक आंसर को लिखने में दो दो तीन तीन घंटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आंसर जब तक चार पांच बार नहीं लिखा जाता है, कभी शब्द कम पड़ जाते हैं तो कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी मेन बात छूट जाती है, तो समझो कि एक एक प्रश्न तैयार करने में दो दो तीन तीन घंटे लग रहे हैं। अब सोचो कि एक सीरीज बनाने में 40 क्वेश्चन बनाने में सोचो कितने दिन का समय लगेगा, मतलब 3-4 दिन में एक सीरीज तैयार हो रही है, यह हाल है। फिर ऐसे हमें क्वेश्चन भी आपको देना है कि जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो और परीक्षा में आए, तो इसलिए जीएस में जो 200 नंबर का है उसमें 2 या 3 सीरीज आपको हल की हुई देंगे, उससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि हमको किस प्रकार से उत्तर देना है, कहां से शुरुआत करनी है, मेन कंटेंट मेन बॉडी क्या रहेगा और उसका निष्कर्ष क्या रहेगा, ये आप समझ जाएंगे। बाकी 5 पेपर आपको हम अनसोल्व देंगे, ठीक है, 5 पेपर जैसा आयोग पूछेगा वैसे ही, 10 क्वेश्चन 125 शब्दों वाले, 10 क्वेश्चन 50 शब्दों वाले और 20 क्वेश्चन 25 शब्दों वाले आपको हम देंगे, ठीक है, 5 पेपर ऐसे बना के देंगे अनसोल्व, ये आपको सारे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल आपके पास होगा, किताबें आपके पास होंगी, नोट्स होगा, ठीक है, नहीं होगा तो खोजिएगा, तो आप आंसर लिख के हमको भेजेंगे, वो आपकी कॉपी हम चेक करके आपको बताएंगे कि आपने कहां पर गलती की है और आपको कैसा आंसर लिखना चाहिए था, क्या गुंजाइश है सुधार की, और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों का, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, मैप है, या और भी चीजें हैं, टेबल वगैरह है, वो कहां पर डाली जा सकती है, प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारी पूरी रणनीति है सावन दिन के लिए, हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध के लिए, आप लोग भी एकदम से जी जान से जुट जाइए, बहुत कम समय बचा है, लगभग 1 महीने और कुछ दिन, मान लो आज आपकी 20 तारीख हो गई है और 6 को तो नहीं है, तो 1.5 महीने मान लो कि मैक्सिमम हार्डली 1.5 महीने का समय है, 40 से 45 दिन का समय है, और इन 45 दिनों में आपको कहां से, बिल्कुल जमीन से शिखर पर पहुंचना है आपको, ठीक है, और कैसे पहुंचना है ये बस हम आपको पहुंचाएंगे, बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और जैसा जैसा मैं कहता रहूं आपको करना वैसे ही है, ठीक है, और बैच में जो चल रहा है उसी तरीके से करेंगे, जैसे मैंने सुबह आपको लेटर दे दिया तो मैंने कहा कि 4-5 बार लिखो, तो मतलब लिखो, ये नहीं कि हाँ सर याद हो गया है ठीक है हम लिख रहे, नहीं, याद हो गया एक अलग बात है, लेकिन लिखना एक अलग बात होती है, आपको पता होगा, आप करके देखिए, आप एक बार याद कर लीजिए और फिर लिख के देखिए, आप भूल जाएंगे, ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकली है ये, जब तक आप लिखकर नहीं देखेंगे तब तक आप कभी भी आपके अंदर एक्सपर्टनेस नहीं आएगी, याद करना जरूरी नहीं है, लिखना बहुत जरूरी है, याद करके उसको लिख के देख लीजिए कि हमारे जो शब्द हैं वो लेखनी के माध्यम से बाहर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत दिमाग है, बहुत सारा भंडार है, बहुत कंटेंट भरा हुआ है, लेकिन आपने एग्जाम में लिख नहीं पाया, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, वो तो आपकी कॉपी देखेगा तभी पता चलेगा ना कि आप ब्रिलियंट हो कि गधे हो, क्या हुआ, आपने क्या लिखा, आपके अंदर नॉलेज क्या है, क्या आप जानते हो, वो आपकी कॉपी बताएगी, आप नहीं बताओगे क्योंकि आप वहां पर सामने नहीं होगे, इंटरव्यू में आप बता सकते हो, लेकिन मेंस परीक्षा में आपकी कॉपी ही बताती है, आपकी कलम बताती है कि आप कितने बुद्धिमान हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने टैलेंटेड हो या फिर क्या हो। इसलिए लिखने पर फोकस करें, रोज कुछ ना कुछ लिखें, कम से कम 8-10 पेज रोज लिखें, चाहे वो जीएस के हो, निबंध के हो या हिंदी के हो, कोई भी हो, ठीक है। अभी मैं निबंध देना प्रारंभ कर दूंगा तो निबंध खुद ही कम से कम 6-7 पेज का होगा, ठीक है, वो आपको कम से कम 5-6 बार लिखना है, तो समझो कि एक निबंध एक दिन में तैयार करना है कुल मिलाकर, ठीक है, एक निबंध एक दिन में तैयार करना है, ये हमारा तरीका होगा, ठीक है। हिंदी का एक पत्र दे दिया, उसको दिन भर में तैयार करना है, कई बार प्रारूप बनाओ, कई बार एग्जाम्पल लिखो, कई बार विशेषताएं परिभाषा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अगर ये सारे काम आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी हस्ती आपको अधिकारी बनने से रोक सकती है। दोस्तों बहुत ही मैंने अच्छी रणनीति बताई है और हमारा जो भी पिछले 8-10 सालों का अनुभव है मैंने सारा आपसे शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे और अपने अधिकारी बनने के सपने को जरूर साकार करेंगे। और जो मेरा भी एक सपना है कि आप अधिकारी बने और 100 अधिकारियों की लिस्ट में आप भी शामिल हों, ये मेरे लिए और मेरे इस परिवार यानी कि डीपी एडुकेटर फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।